इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाई और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गतवा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी, उनका नेता ये नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करता है करना है 2 विचारधाराओं के बीच। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है। भाइयों और बहनों,
और ये कोई नेता के सिर्फ शब्द नहीं थे। 2014 में मोदी जी बोले, मैं 23 में आपके सामने आया हूं, ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की, मोदी जी ने जल जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक अगल आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया, मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 10 जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ऐसे आदिवासियों के स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मैं आज श्रीमान बंटा